मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाय 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफ़ी किसान है, बड़े 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। आपको पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में। जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक ज़मीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाय 10 फीट का। 10 बाय 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चे किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं, अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना होगा फ़ोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर लिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, मेरे पिताजी हैं उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपके इसी नंबर पर मैं हाईब्रिड के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे लेते हैं? 3-4 दिन में। हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सअप पे आ गया डॉक्यूमेंट। क्या है सर इनका? 2-2 हाई आया। ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट, सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ा उनको। जो तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ढंगी करते थे तो अभी बात करो सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता है वो पता है ना? बताइए, बताओ कैसे बात करते सीनियर डिपार्टमेंट। सर जैसे आपको कॉल करो, कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास जमीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका जमीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फ़ोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा, आप कॉल करेंगे। धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा सर? उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। 10,260 रुपये आपको अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है सर? आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके भाई, फिर कॉल करो, डाल दिए पैसा, डाल दिए। हेलो, पैसा डल गया फिर? तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए। डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात। उसके बाद जिस नंबर पर फ़ोन करेगा वो बात होगी ही नहीं, सेकंड नंबर पैसा मांगते हैं ना, और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। तो आप नहीं करते, उसके बाद कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में, आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसके ऊपर दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, यही करते महा ठग। आप बताओ ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल कंडा करके था। गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? उसके बाद वो प्रोसेसिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो, दमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये, आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर, वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे, 10 दिन हो गया कॉल ही नहीं किया अभी तक, मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कन्फर्म करता हूँ सर, ऐसे NOC चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी NOC चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं NOC चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से बोल रहे हो? ये NOC चार्ज कितना है? ये NOC सर 17,200 रुपये।
ये उसी अकाउंट जमा करना है जी सर, सेम तो जमा कर दिया फिर सर जमा किया इसके बाद फिर उसके बाद बैंकिंग से दूसरा हाँ फिर कॉल करो यार। हेलो सर बैंकिंग डिपार्टमेंट कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट कोलकाता है। अरे तुम्हें तो जमा कर दिया है तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज वो मिल जाएगा सर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार डेढ़ महीना हो गया तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से तुम्हारे चक्कर में 10,000-17,000 दो बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को तुम सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो तो कब तक आएगा आप खुद कोई फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा फिर कैसे पैसे लेते फिर क्या करते हैं फिर पैसा कैसे लेते हैं सेकंड आ गया सर 17,000 अब थर्ड वाला ये कितना लगेगा अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं ठीक है सर काम हो जाएगा जमा कर दिया और क्या चार्ज इतने में लूट लिया तुमने और फिर आदि फोन करेगा तो हेलो आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ 15 लाख जो आने थे मुझे अरे यार 4 महीने हो गए कितने 15 दिन कर रहे हो 15 लाख का सपना दिखा रहे हो देने भी वाले हो नहीं मिलेगा सर किसी को मिलेगा आपका देखो पहले कोई बात करता है फिर कोई दूसरा बात करता है कोई तीसरा बात करता है अलग अलग लोग बात करते हैं अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट मान लो उसके बाद फिर क्या होगा किस बात कहता है उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगा अरे प्रोसेस होगा निकलेगा क्या उस प्रोसेस से कितना पैसे फिर कैसे रखते हो और पैसे कैसे लेते हो जो 15 लाख जैसे वसूल लिया तुमने सपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया वो तुम्हारे को तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई तो यही लाना दिखा रहे यार उन लोगों को अब लाते ही नहीं पता ही नहीं चलता सामने हमने कन्फर्म करेंगे ना उसे तो बताएंगे पूरी कहानी वो इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया लूटते रहे कुछ कुछ बोल के रिसीप बकायदा रिसीप भेजते रहे हैं सर ये आपका रिसीप भाई इतने का ये इतने का रिसीप भाई करके अरे वो कागज का टुकड़ा है रिसीप मत बोलो उसको सामने वाले अकाउंट में पैसा मंगा देते हैं सर वही सबका फेक है फेक अकाउंट फेक नंबर अपने परिजनों से सर फेक ही बताओ ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में हाँ तुमको पता ही नहीं अकाउंट तुमने उसको दे दिया वो निकालता जा रहा है कहाँ के रहने वाले हो कलकत्ता तो तुमको अकाउंट दिया कोई पैसा ही लेके दिया होगा ना अकाउंट तो फ्री में ले दिया अपना अकाउंट तुम जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले नहीं गई हो फर्स्ट टाइम हो तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो क्या जी ओ वहाँ झाड़ू पूछा करती होगी इसके ऑफिस में उसका अकाउंट ले लिया होगा उसके अकाउंट में करते थे अरे यार थोड़ा तो शर्म करो तुम आदमी हो पैजामा हो तुम बताओ जब महिला का भी तुम लोग ये करते हो पीछे हो जाइए मैडम आप आओ मैडम आपका आपका क्या था हाँ कॉलिंग ही था आपने कितने महीने कॉलिंग किया कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग कितना दे रहे थे आपको मेरा रिसेंट हुआ है 12,000 रिसेंट हुआ है क्या बोल के आपको भर्ती किए मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था